बात करते हैं रतलाम की, जहां गूगल मैप पर मंदिर की जगह को कहकशा मस्जिद का एड्रेस बताने से बवाल मच गया और तनाव के हालात बन गए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला शांत कराया है, साथ ही गूगल मैप पर मस्जिद का एड्रेस फीड करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला गरमाता देख पुलिस ने गलत एड्रेस को भी बदलवा दिया है और गूगल को भी पत्र लिखकर एड्रेस में हुई छेड़छाड़ को लेकर जवाब मांगा है। उधर साइबर विशेषज्ञ गूगल के इस क्राउड एड्रेस सोर्सिंग पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। साइबर विशेषज्ञ कृष्ण किशोर का मानना है कि गूगल की यह फैसिलिटी देश में दंगे भड़का सकती है। दहशतगर्द इसका उपयोग भविष्य में दंगा भड़काने के लिए कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि गूगल अधिकतर एड्रेस क्राउड सोर्स के जरिए हासिल कर रहा है और वो उनका वेरिफिकेशन भी नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक गांव भदवासा थाना नामली में रहने वाले राजेश पाटीदार किसान हैं। हाल ही में जब उन्होंने अपने मोबाइल पर गूगल मैप खोला तो उसमें पाटीदार समाज की अंबे माता मंदिर की लोकेशन की जगह कहकशा मस्जिद भटवासा लिखा हुआ दिखा, जबकि कुछ वक्त पहले तक वहां अंबे माता मंदिर लिखा आता था। पाटीदार ने जब उस लोकेशन पर क्लिक किया तो उसमें गाँव के ही रहने वाले शाहरुख पठान की ईमेल आईडी दिखी, जिस पर 2 ईयर आगे लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद पाटीदार ने गूगल मैप का स्क्रीनशॉट के साथ वीडियो बनाया और इस बारे में गांव वालों को बताया। मामला थाने पहुंच गया है। आनंद फानंद में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट भी गांव में शेयर कर दिए हैं। रतलाम SP अभिषेक तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में यह पता चला कि जिस लोकेशन को आरोपी ने मस्जिद का एड्रेस लिखा वह गूगल मैप में अनआइडेंटिफाइड लोकेशन थी। गूगल अभी यह सुविधा दे रहा है कि अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पर आप एड्रेस दर्ज कर सकते हैं। गूगल इस तरह की लोकेशन को क्राउडसोर्स के जरिए फीड कर रहा है। एड्रेस पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। जिस लोकेशन पर आरोपी ने मस्जिद लिखा उसके बारे में यह पता नहीं चल पाया है कि गूगल मैप में वह पहले मंदिर के रूप में दर्ज था या नहीं। इसके लिए गूगल से जानकारी मांगी गई है। दरअसल गूगल मैप पर किसी स्थान का नामकरण करने का विकल्प मौजूद होता है, जिसका उपयोग कर लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, गांव के नाम और लोकेशन लिखते हैं। गूगल के इंटरनल अप्रूवल के बाद ही अधिकतर लोकेशन मैप में शो होती है। साइबर एक्सपर्ट कृष्ण किशोर ने बताया कि गूगल को इसके लिए सभी एड्रेस को वेरीफाई करना चाहिए। अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पर जब भी नया एड्रेस फीड किया जाए तो उसे वेरीफाई करना चाहिए। खुराफाती लोग इसका अब दूसरी तरह का दुरुपयोग कर सकते हैं। देश में संभवतः यह इस तरह का पहला मामला है जिसमें फेक एड्रेस बताने पर मामला दर्ज किया गया है। ये पाटीदार समाज का मंदिर है गांव में, बीच में अम्बा माता का। उसमें कुछ मुसलमान लोगों ने वो व्हाट्सएप पे मस्जिद लिख के डाल दिया गूगल मैप पे। उसके बाद में थाने में आया, थाने में कार्रवाई करी है।